हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबास गोली और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकटेक इंडिया। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएफटी मीटर के बारे में। डीएफटी मीटर यानी ड्राई फिल्म थिकनेस मीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से हम अलग अलग टाइप के जो कोटिंग्स होते हैं यानी प्लेटिंग हो या फिर पेंटिंग हो, उसका थिकनेस हम इस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। यह है डीएफटी मीटर। इसमें डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। यह है प्रोब जिससे हमें प्लेटिंग थिकनेस हमें चेक करना होता है। और इस बॉक्स में अगर देखें तो यह स्टैंडर्ड है, विदाउट कोटेड पार्ट्स है, यानी मास्टर इससे डायल से, इस प्रोब से इसे चेक किया जाता है। और इसके अंदर हम देखेंगे तो और सैंपल है, मास्टर सैंपल से जिसमें स्टैंडर्ड थिकनेस है, इसमें रख के हम चेक करते हैं कि वेरीफाई करते कि उतना थिकनेस रीडिंग एक्चुअल दिखाता है कि नहीं है। तो ये डिस्प्ले में ऑन ऑफ बटन है और प्लस माइनस ये सेट करने के लिए, रीडिंग को प्लस करने के लिए या फिर माइनस करने के लिए, जीरो सेट करने के लिए अलग अलग कीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये अपना प्लेटिंग का, पेंटिंग का सैंपल है जिसका हमें थिकनेस हमें चेक करना है। बहुत ही ईजी मेथड है क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले है तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इससे पहले मैं इस मास्टर को मैं वेरीफाई करता हूँ कि जीरो रीडिंग बताता है कि नहीं, ये क्योंकि ये विदाउट कोटेड पार्ट है मास्टर, तो इसके यहाँ पे तो रीडिंग ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरीफाई करें कि यहाँ पे रीडिंग ज़ीरो आता है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे रीडिंग ज़ीरो आया है, यानी ज़ीरो माइक्रोन इस पर कोटिंग है, यानी विदाउट कोटेड पार्ट है। अभी पेंटेड पार्ट में हम चेक करेंगे कि उसका थिकनेस, ड्राई फिल्म थिकनेस पेंटिंग का कितना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 62 माइक्रोन यहाँ पे बता रहा है। इजी मेथड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है क्योंकि प्रोब को अपने को यहाँ पे लगाना ही है। यहाँ पे अगर प्रोब को अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट रीडिंग बताएगा।